Good morning, everyone, and welcome. This is our channel. Please subscribe the channel, and to get more videos, please hit the bell icon. Thank you. आज अपन टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहा था अपना ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन में लेक्चर थर्ड टू लेक्चर्स हो चुके थे थर्ड लेक्चर में अपन बात करेंगे चेंज इन वैल्यू ऑफ जी चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ये लेके चलेंगे और यहां पर अपन फर्स्ट देखेंगे चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू ड्यू टू हाइट ड्यू टू हाइट जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे और कितना डिक्रीज होगी कैलकुलेटिव भी बनाएंगे देखो किस तरह से सपोज ये अर्थ सरफेस है ये अर्थ का सेंटर लिया हमने और ये ले ली इसकी रेडियस आर यहां ये तो कहलाएगी सरफेस ऑफ अर्थ अब इसके ऊपर एच हाइट पर हम जाएं कि यहां पर कोई बॉडी है इसकी सरफेस से हाइट कितना है एच हमेशा जब भी डिस्टेंस मेजर करो तो डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ठीक है तो अब देखो G की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसके लिए तो G इक्वल टू क्या लेते हैं G M अपॉन आर स्क्वायर ये डिस्टेंस हमेशा ले जाती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ G M अपॉन आर स्क्वायर लेकिन अब अपने को देखो जो R है यहां पे ये कितना है हमें पता है कि R जो है इक्वल टू आर प्लस एच है आर सेंटर से लेंगे तो आर तो देखो इसकी रेडियस होगी प्लस एच हाइट तो आर प्लस एच के इक्वल रहेगा सो एच हाइट के लिए हम लेते हैं तो देखो ये फॉर्मूला आता है अपने पास जी एम और आर की जगह लिखा मैंने आर प्लस एच होल स्क्वायर तो देखो यहां ये अपने पास एच हाइट के लिए इक्वेशन आ गया अब नियर टू सरफेस नियर टू सरफेस और एच सरफेस वेन एच को नेगलेक्ट कर दें तो इस केस में अपने पास जो सरफेस पर जी आता है वो लिखते हैं हम जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्लियर ये अपन ने आर का एच आइट के लिए लिखा एच को नेग्लेक्ट करेंगे कहा जाएंगे सरफेस पर आ जाएंगे क्लियर यदि इन दोनों को हम कंपेयर करें जी एच और जी को तो हम देखो इसको जी एच ये लिया मैंने जी एच अपॉन जी इक्वल टू देखो जी एच अपॉन जी करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया और अपने पास क्या गया आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर और यहाँ से देखो जी एच अपॉन जी यदि आप आर को कॉमन ले लेते हो बाहर तो वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर आ जाता है यहाँ से देखो जी एच का फॉर्मूला हमें मिल गया जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर तो ये अपने को बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला हो गया कि किस साइड पर कितना वैल्यू रहेगा जी का ये हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं अब मैं इसको परसेंटेज चेंज में देखो बदल सकता हूं कि हमें इस तरह से पूछे कि परसेंटेज चेंज फॉर स्मॉल वैल्यूज तो देखो इसी को अदरवाइज जी एच इक्वल टू जी इसको ऊपर ले जाए तो एच अपॉन आर माइनस टू यू भी लिख सकते हैं और व्हेन व्हेन एच अपॉन आर वेरी स्मॉल ये स्मॉल है क्योंकि अर्थ की रेडियस आपने देखा 6400 किलोमीटर तो इसको स्मॉल माने तो हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम से इसको सोल्व कर पाएंगे देखो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वन प्लस एन एक्स और आगे अपन नेग्लिजिबल कर सकते हैं तो मेरे पास जी एच इक्वल टू आया जी वन माइनस एन को अंदर ले आओ तो माइनस टू को अंदर ले आए तो टू एच अपॉन आर ये इक्वेशन अपने पास आ गया और यहाँ से हम देखो परसेंटेज चेंज के लिए किस तरह से सोल्व कर लें जी एच इक्वल टू अपन जी को अंदर ले रहे हैं तो माइनस टू जी एच अपॉन आर और यहाँ देखो जी एच माइनस जी इक्वल टू माइनस टू जी एच अपॉन आर और जी एच अपॉन माइनस जी अपॉन जी इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन आर और परसेंटेज चेंज इन जी तो परसेंटेज चेंज ये क्या हो गया डेल्टा जी अपॉन जी इंटू क्या कर दो हंड्रेड इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन आर इंटू हंड्रेड तो परसेंटेज चेंज अपन यहाँ से निकाल सकते हैं और नेगेटिव साइन शो दैट वैल्यू ऑफ जी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद हाइट विद हाइट यानी जी एच जो रहेगा लेस देन कैसा रहेगा जी रहेगा इसके साथ हाइट के साथ डिक्रीज होता रहेगा तो ये आपने जी का वेरिएशन देख लिया अपने इजीली इसको सोल आउट कर लिया कि अपन ने ये मेन फॉर्मूला था आर की वैल्यू पुट की नियर टू सरफेस किया कंपेयर किया और ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया अब देखो अपन कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं हमें क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ जी फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट इक्वल टू इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम सरफेस तो हमें देखो क्या दिया हाइट जो है इक्वल टू द इक्वल टू रेडियस दी ठीक है ये हमें दे रहा है एच इक्वल टू इक्वल टू रेडियस तो यहां पर जी की वैल्यू कितनी रहेगी देखो जी एच का वैल्यू क्या था जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर ये था कि नहीं एच अपॉन आर का होल स्क्वायर एच इक्वल टू तो आर रखो यहां तो यहां एच इक्वल टू आर रखोगे देखो आर वन प्लस तो अपने पास जी एच इक्वल टू तो कितना आ गया जी वाई जी वाई फोर इस पर इसी क्वेश्चन को देखो दो लैंग्वेज में पूछा जा सकता है एक तो अपने को जी बाई एक क्वेश्चन डिक्रीज बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सरफेस और जी रिमेंस जी रिमेंस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सरफेस तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछे जा सकते हैं बेटा कि जी रिमेंस ट्वेंटी फाइव परसेंट और जी डिक्रीज बाई तो जी डिक्रीज बाई 25% के ऊपर जाने पर 25% डिक्रीज हो गया इट मींस जो जी एच मिला हमें कितना मिला जी 25% ऑफ जी तो 25% ऑफ जी का मतलब ये मिला हमें यानी जी जी 4 तो इस केस में जो अपने पास बचा वो बचा 3g by 4 तो इतना किस हाइट पर होगा तो इस केस को हम सिंपली यदि एप्रोक्सीमेट निकालना है तो अभी अपन ने निकाला किससे कर सकते हैं जी एच इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर इससे तो जी एच इक्वल टू जी का वैल्यू देखो यहां से रख देता हूं मैं सॉरी जी का वैल्यू अपन रख रहे हैं यहां पे जी एच का थ्री जी बाई फोर कहां पर हो जाएगी जी वन माइनस टू एच अपॉन आर जी से जी कैंसिल हो गया और टू एच अपॉन आर इक्वल टू वन माइनस थ्री बाई फोर तो देखो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन मिला फोर माइनस यानी टू एच ऑन आर इक्वल टू देखो फोर माइनस थ्री वन बाई फोर और एच इक्वल टू आंसर आ गया आर बाई एट आर बाई एट हाइट पर ट्वेंटी फाइव परसेंट डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू बचेगी कितनी थ्री बाई फोर ठीक है तो एक तो था डिक्रीज बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट और एक रिमेंस 25% तो रिमेंस 25% का मतलब ये कहां पर रहेगी तो ये देखो अपन ने क्या काम किया 25% रिमेन का मतलब gh इक्वल टू कितना हो गया gy4 तो फिर वापस अपन g इक्वल टू g अपॉन 1 h अपॉन r होल स्क्वायर और ये कितना हो गया अपने पास 1/4 gh gy4 क्योंकि 25% का मतलब 25 अपॉन तो ये अपन लेंगे यहां से g अपॉन 1 एच अपॉन आर का होल स्क्वायर तो यहां से अपन सोल्व कर पाएंगे इसको और ये आएगा एच इक्वल टू आर जो अभी अपन ने निकाला था तो दोनों क्वेश्चनों का ध्यान रखना कि जी डिक्रीज बाय 25 परसेंट तो डिक्रीज बाय 25 परसेंट और एक जी रिमेंस तो रिमेंस का मतलब सीधा ये लिख सकते हो डिक्रीज वाले केस में कितना लोगे थ्री बाई फोर जी इसी क्वेश्चन को यदि अपने को इस तरह से पूछे इफ़ चलो रेडियस ये आप कर लोगे मैं कुछ अभी नेक्स्ट अपन ले रहे हैं फिर क्वेश्चंस लेते हैं एक मिनट सेकंड पॉइंट लेते हैं चेंज इन चेंज इन जी ड्यू टू ड्यू टू डेप्थ चेंज इन ड्यू टू डेप्थ देखो ये अर्थ सरफेस है और ये इसकी रेडियस है अब हम क्या काम करें कि इसके इनसाइड आ रहे हैं तो यहां पर बॉडी ना होकर बॉडी को कहाँ ले आए यहां पे ले आए कितनी डेप्थ पर डी डैफ पे ले आते हैं तो जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा अपने पास आर माइनस डी तो ध्यान रखना यहां पर जो मास काम करेगा टोटल मास एम था लेकिन यहां पे एम डेस -E ही काम करेगा जब अपन ने इनसाइड द आर था आगे तो फिर इसके लिए क्या काम करें डेंसिटी वाला फॉर्मूला आप काम में ले लो जी इक्वल टू क्या होता है जी इक्वल टू होता है फोर अपॉन थ्री पाई आर रो इन टू जी एट सरफेस और अब देखो रेडियस कितनी बच गई आर माइनस डी तो डेप्थ पर कितना हो गया फोर अपॉन थ्री फाइव आर की जगह मुझे मिल गया आर माइनस डी रो इन टू जी तो हमें एम और एम डैस ये सीधा अपन फोर पाई ऑन यानी डेंसिटी वाले टर्म में आप ले लो और यहाँ से देखो जी डी अपॉन जी लेंगे तो ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा आर माइनस डी अपॉन आर और यहाँ से देखो क्या बचा जी डी अपॉन जी इक्वल टू वन माइनस डी अपॉन आर इट मीन्स जी डी इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर ये अपने पास फाइनल फॉर्मूला आ गया है वह इसका और इसको भी उस तरह से अपन यदि परसेंटेज चेंज में निकालना चाहते हैं तो देखो क्या बचा जी डी माइनस जी इक्वल टू माइनस डी अपॉन आर माइनस डी जी अपॉन आर जी को अंदर इंटू कर लिया और अपन ले लिया और देखो जी b minus g upon g equal to minus d upon r इट means डेल्टा g upon g equal to minus d upon r परसेंटेज चेंज की बात करेंगे तो डेल्टा g upon g into 100 करके अपन माइनस डी अपॉन आर इंटू हंड्रेड और माइनस साइन रिप्रेजेंट दैट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद डेप्थ तो ये भी कैसी रहेगी लेस रहेगी ठीक है तो इस तरह से अपन ने सोल्व कर लिया यहां पर ध्यान रहे देखो ये फॉर्मूला जो आपने पास आया है ये है हाइट का था उसमें क्या था टू एच अपॉन आर का होल स्क्वायर था यदि अपने को देखो एक क्वेश्चन यहां से ये यह पूछ ले क्वेश्चन पूछ ले एट वॉट हाइट चेंज इन जी विल बी इक्वल टू इक्वल टू डी डेफ डी डेफ फ्रॉम सरफेस ये कह रहा है जो जितना डी डेफ में तो किस हाइट पर तो इट मींस चेंज जो है एच हाइट पर और डेफ पर हमें क्या लेना है सेम लेना है और यह फॉर्मूला क्या था टू जी एच अपॉन क्या था बाई आर और ये अभी अपन ने निकाला देखो क्या है डी अपॉन आर ये इक्वल होना चाहिए तो देखो इनमें अपने पास रिलेशन आ गया टू एच इक्वल टू डी इट मीनस एच इक्वल टू क्या आंसर देंगे डी बाई टू पर जो चेंज होगा उतना ही डी डेफ पर जो चेंज हो रहा है वो एच पर कितना हो जाएगा डी बाई टू पर तो इट मींस क्या हुआ कि एच पर ऊपर की ओर जाने से ऊपर की ओर जाने से सरफेस की नीचे की तरफ जाने की बजाय रेट कैसी है डबल है डबल कैसे ने कहा ना किस साइड पर कि यहाँ जो डी डेफ पर चेंज हो रहा है डेल्टा जी वो किस पर एच बाई टू पर ही चेंज हो रहा है वो डेल्टा जी एच किस पर हो रहा है एच बाई टू पर डी डेफ पर जा रहे हैं वो किस पर हो जाएगा डी बाई टू पर सॉरी ये किस पर हो जाएगा डी बाई टू पर एच कितना ले लेंगे डी बाई टू पर तो ऊपर जाने से तेजी से डिक्रीज होता है बजाय नीचे की बजाय इसी क्वेश्चन को कई बार एक क्वेश्चन इस तरह से देते छोटा सा कि देखो वेट ऑफ ए बॉडी इन कोल माइन इन कोल माइन

तो सी लेवल पर जी मैक्सिमम होता है और 9.8 होता है नीचे जाएंगे तो भी जी डिक्रीज होगा क्योंकि कोल माइन का मतलब क्या है डेप्थ में जाने पर और माउंटेन पे जाएंगे तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इट मीन्स अपने पास सबसे ऊपर जाएंगे टॉप पर तो ये सबसे कम रहेगा ये नीचे तो अपन ने डब्लू वन तो किसको दिया है भाई कोल माइन लेस देन सरफेस से कैसा है कम है और फिर ध्यान रहे ऊपर भी कैसा है डब्ल्यू थ्री भी कम है ये अपने पास क्या था डब्ल्यू वन यहां पे क्या था डब्ल्यू टू और यहां पे क्या था डब्लू थ्री तो सबसे ज्यादा डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू टू इज ग्रेटर दैन डब्ल्यू एन डब्ल्यू थ्री यहां पर मैक्सिमम रहेगा क्लियर यदि मैं इसी की बात करूं ड्यू टू सेप थर्ड जो है अपने पास ऑप्शन है चेंज इन जी चेंज इन जी ड्यू टू सेप ऑफ अर्थ ड्यू टू सेप ऑफ अर्थ अभी तक इन जनरल अपन शेप ऑफ अर्थ क्या मानते आए हैं स्फेरिकल शेप मानते आए हैं लेकिन एक्चुअल जो शेप होता है अर्थ का वो इलेप्टिकल सेप होता है और इलेप्टिकल सेप होने से क्या हो रहा है कि इसका जो रेडियस है देखो ये डिफरेंट डिफरेंट है कि अपन यहाँ इक्वेटर पर बॉडी रहे इक्वेटर पर ये प्लेसेज इक्वेटर हो गए तो इसकी रेडियस डिफरेंट है इसकी रेडियस को मैं ले रहा हूँ आर ई और ये पोजीशन पोल है तो पोल की रेडियस को मैं ले रहा हूं आर पी ये क्या है पोल्स है भाई तो इट मींस यहां से ये क्लियर हो गया कि देखो आर ई ग्रेटर देन आर पी। और हमें पता है जी इनवर्सली कैसा होता है आर स्क्वायर तो रिजल्ट क्या मिला जी ई लेस देन जी पी कि इक्वेटर पर जो है ग्रेविटेशन पोल्स की बजाय कम रहेगा और ये जो डिफरेंस होता है आर ई माइनस आर पी ए अप्रॉक्सीमेट ट्वेंटी वन किलोमीटर्स का डिफरेंस रहता है तो हम देखो जब बात मैं यदि निकालना हो मुझे तो एट इक्वेटर की बात करूँगा एट इक्वेटर तो मुझे जी ई इक्वल टू जी एम अपॉन रेडियस ऑफ इक्वेटर की लेनी पड़ेगी और जब मैं एट पोल्स की बात करूँगा तो पोल्स की बात करूँगा तो जी पी इक्वल टू जी एम अपॉन आर पी स्क्वायर की बात करूँगा और यहाँ से हमें पता पड़ ही गया कि आर ई e और आर वी में तो हमेशा जी ई ग्रेटर देन कैसा रहेगा जी पी रहेगा इसकी सेप की वजह से जो चेंज है इट मीन्स आपको यदि सम सेम सूगर यहाँ लेनी हो और यहाँ लेनी हो तो कहाँ लेना उपयुक्त रहेगा इक्वेटर पर यू क्योंकि इक्वेटर पर जी कैसा है कम है ज़्यादा क्वांटिटी आएगी जबकि यहाँ पे कम क्वांटिटी आएगी तो इस तरह से हमने जी की वैल्यूज़ में डिफ्रेंस देखी अब देखेंगे चेंज इन वैल्यू ऑब्जी ड्यू टू रोटेशन उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आप इसको पढ़ते रहिए आराम से इन सब चीजों को और तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे